आज सुबह सवेरे की एक बड़ी खबर जो है वो सीधा जम्मू रेलवे स्टेशन से आ रही है और आपको यहाँ पर बता दें कि एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है जहाँ पर एक गाड़ी है और ये भी बताया जा रहा है कि मृत्यु जो है वो हुई है। तो चलिए तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी जो है और एक बच्ची की जो है वो मृत्यु हुई है और साथ ही साथ 6 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। तो देखिए रेलवे स्टेशन में एक जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, आप ये तस्वीरें देखिए कि ये जो है अपने आप में ये रेलवे स्टेशन के अंदर का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गाड़ी का नंबर, सबसे पहले जिस तरह से हम शुरुआत करते हैं अक्सर आपको जो है वो गाड़ी का नंबर जो है वो बताया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा नंबर की जो है ये गाड़ी है। और ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं अभी जो है यहाँ पर पुलिस भी है मौके पर और ये ऑटो है उसे देखिए अभी जो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर जो है वो चूना डालने का काम किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी जितने भी हैं रेलवे स्टेशन के वो खुद यहाँ पर मौजूद है और उनकी उनकी देख रेख में जो ये काम जो है वो हो रहा है। और हम आपको बता दें एसडीपीओ रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार मैम। सर ये जो हादसा है ये कितने वक्त? जी मैम कोई 8:30 बजे के करीब मामला है, सुबह के 8:30 बजे का मामला था। सर ये गाड़ी ऊपर से नीचे ये रॉन्ग साइड से आई गाड़ी है। एक्चुअली पुलिस वालों ने जब हाथ देने की उसी की इन्होंने ब्रेक दबाने की जगह रेस दे दी ज्यादा, उसकी वजह से क्या हुआ यहाँ से काफी तेज से गाड़ी टर्न यहाँ से हुई, हमारे ऑटो रिक्शे पे गिर गई। एक तो उसमें टूरिस्ट जो आए थे बाहर के यात्रा करने के लिए वैष्णो देवी के लिए उनको लगी है, काफी चोटें आई हैं। तो एक एक लड़की मर गई है, डेथ हो गई उसकी बेटी थी। बिल्कुल उन्हीं की बेटी थी, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी, इधर ही वो मतलब डेथ हो गई थी उसकी। पूरे हॉस्पिटल ले गए, एक बच्चा है उसका, उसको भी लगी है, एक बूढ़ी बूढ़ा है, एक प्रेग्नेंट लेडीज भी है उनके साथ, उनको भी लगी हुई है। उनकी पूरी फैमिली बैठी थी पूरी। तो उनके कितनी देर में जो है उनको उपचार के लिए भेजा गया और स्थानीय जितने लोग थे उन्होंने कैसे? बिल्कुल कुछ पुलिस वालों ने काफी मदद की है, तो उसके बाद ऑटो वालों ने मदद की हुई है इनको पहुंचाने की। पुलिस वाले भी, उनकी गाड़ी आई थी और हमारे JKTDC वाले ने, जो टेम्पो ट्रैवलर है हमारा JKTDC वालों का, उन्होंने भी काफी मदद की हमारी गाड़ी में। JKTDC वालों उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया टाइम से। सर आप ये हादसे का मुख्य कारण क्या मानते हैं? हम आप सबसे जानना चाहते हैं। मुख्य कारण यही है कि शायद मेरे हिसाब से एक गाड़ी चोरी की लगती है। चोरी की क्यों लगती है इस पे देखिए, साफ साफ दिख रहा है आपको 9 की जगह 7 किया हुआ है। जाइए बिल्कुल देखिए, पहले उधर देखो जाके नंबर प्लेट भी देखिए, बहुत देखिए बहुत शायद ये लगता है कि गाड़ी चोरी की है उसकी वजह से ये भागा है। बिल्कुल दिख रहा है सर जी, देखो। और ये अभी आपको बता दें कि पुलिस वाले जो है यहाँ पर चूना डालने का जो काम है वो कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें ये बाहर से जो है वो आई हुई फैमिली थी और इनमें जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उनकी एक बच्ची की मृत्यु हुई है, इसमें वृद्ध जो है मेल और फीमेल भी बैठे थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये काम जहाँ पर जो है वो हो रहा है। और ये जो सर आप हमें बताइए, आपने ये जब हादसा यहाँ पर देखा आप मुख्य कारण किसे मानते हैं? चलिए एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएट किया कि वो सामने जो है 9 की जगह पे 7 जो है वो दिख रहा है और यहाँ पर शायद ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं है। क्या कहना चाहिए? हम क्या कहना चाहते हैं, ये गाड़ी ऊपर से आई थी बहुत स्पीड में थी, नाका क्रॉस करके आई है, इधर बाकी लोग बैठे हुए थे, आधे इधर बैठे थे आधे इधर बैठे थे। ये गाड़ी ऊपर से आई है, ऑटो से टकरा के नीचे एक बच्ची बिल्कुल नीचे आएगी, 4-5 आदमी नीचे थे। अगर ये गाड़ी नीचे ऑटो नहीं होता, जब नीचे गिरती तो मृत्यु 5-7 आदमी खत्म थे। ये ऊपर रुकने के ऑटो के कारण ये गाड़ी रुकी है ऊपर। जून में प्रेग्नेंट लेडी थी, उनकी हालत क्या थी जब उन्हें हॉस्पिटल? देखो जी वो उठा के गाड़ी में बिठा के लेके गए उनको। जिसको नीचे थी जिसका हेड इंजरी हुई इसको, और सबसे पहले मैंने उसको उठाया था, जैसे उसके हेड रहा तो मेरा हाथ ही उसके अंदर जा रहा था, उसके हेड के अंदर, तो इस वजह से वो तो लड़की बच्ची भी जाही हुए। ड्राइवर थे वो? अभी ड्राइवर को हमने पकड़ लिया था, उसको अरेस्ट करवा दिया। वो तो बाकी की पूरे परिवार ड्राइवर उस गाड़ी में एक महिला भी थी जो शायद उनकी वाइफ थी, शायद वो भी इनके साथ थी, वो दोनों वहीं पे लाइन पुलिस गाड़ी वालों की।
देखिए जो यहाँ पर ऑटो वाले थे, जो यहाँ का स्टाफ था, उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। अगर आप गौर फिक्र करेंगे, आप देखिए लास्ट में जहाँ पर 7 है, वहां पर आपको भी जो है वो 9 जरूर दिख रहा है, क्योंकि हमें भी ये दिख रहा है। इतने पास से जूम करके आपको इसीलिए दिखा रहे ताकि आप उन विजुअल्स को देख पाए। देखिए यहाँ पर जो है वो 9 दिख रहा है आपको, उसके ऊपर 7 लगाया गया है। अब चलिए आपको दूर से पूरी नंबर प्लेट दिखाते हैं, और ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहीं से जिस तरह से आप देखिए कि ये जो है वो लग नहीं रही है, इसके ऊपर वो जिस तरह से हम एक स्टिकर कहते हैं वो भी नहीं है। और ये देखिए शायद इस गाड़ी को पुलिस वालों ने रोका होगा, वाकई में इस गाड़ी में जो है कुछ ना कुछ कहते हैं दाल में काला जरूर है, इसलिए गाड़ी जो है वो नहीं रुकी। और यहाँ पर मौके पर जितने भी पुलिस कर्मी हैं, यहाँ से वहाँ आपको चारों तरफ की मैं आप विजुअल्स दिखाना चाहूंगी, आप यहाँ से वहाँ के विजुअल्स देखिए। और ये विजुअल्स जो है वो आप देखिए कि अभी जो है यहाँ पर मंगवाया गया है इस गाड़ी को, जिससे जो है वो उठाया भी जाएगा बिल्कुल, इनको गाड़ी को अलग अलग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी बच्ची की मृत्यु जो है वो हुई है, और बहुत ही दर्दनाक हादसा ये सुबह सवेरे, जिस तरह से यहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे, चाहे वो ऑटो चालक थे चाहे लोग थे, उन्होंने बताया कि 8:30 बजे हुआ। और जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है मदद की गई, इन लोगों द्वारा जो है उन्हें मदद की गई, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटो वालों ने बचाया बाकी लोगों को, और ये ऑटो ने भी बचाया है कि ऑटो आगे लग गया तो इसीलिए वो लगा हुआ था, उसके साथ रुकी गाड़ी, जे वरना नहीं रुकती और लोग मरते जहाँ। ऑटो वाले ने और ऑटो ने बचाया है, बस पूरा परिवार यहाँ सुबह का बिठाया हुआ था हमने, अभी उनको रेलवे वालों ने कमरा दिया, तो वो अभी कोई 10 मिनट हुए यहाँ से अपने गई। चलिए ऑटो वालों ने भी बहुत मदद की है, इसे कहते हैं कि जिस तरह से ऊपर वाले की बात करते हैं कि ऊपर वाले ने जो है उन्हें बचाया है, क्योंकि ये ऑटो की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो संभल गई। लेकिन सबसे दुखद बात वो है कि उस परिवार की जो छोटी बच्ची थी, उसकी यहाँ पर जो है बताई जा रही है कि उसकी जो है वो यहाँ पर मृत्यु हुई है। ये मैं आपको गाड़ी की विजुअल्स बता दूं कि अब जो ये गाड़ी है इसे यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि अगर मैं लोगों की बात करूँ, लोग भी यहाँ पर एकत्रित हैं, लेकिन पुलिस भी जो है यहाँ पर पहुंची है। और आप जो लोग हैं, हमने आपको वो नंबर भी दिखाया, हमने आपको वो नंबर प्लेट भी दिखाई, ये हरियाणा नंबर की गाड़ी है। और किस तरह से मैं आपको पिछली साइड से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस साइड से जो है ये किस तरह से जो है उसके अंदर जो है वो लगी है। चलिए आपको उस साइड लेकर चलते हैं और हर एक चीज को, हर एक पहलू को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये बीच का पॉइंट जो है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, शायद ही ट्रैफिक वाले थोड़ा सा हटेंगे तो वो इस पॉइंट को जो है वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। और ये पॉइंट देखिए इस ऑटो ने किस तरह से इसे रोका है और किस तरह से जो है उन्होंने इसे रोकने में मदद दी है। हालांकि ऑटो जो है वो नीचे आया है, लेकिन यहाँ के ऑटो वालों ने जो है वो बिल्कुल मदद की है, और उन्होंने ऐसा कहा है कि इस ऑटो की वजह से जो है, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, और लोगों की मदद की वजह से जो है यहाँ पर जितनी तत्काल सेवाएं हो सके वो उन्हें मिली है। किसी ने ऑटो में उन्हें पहुंचाया, किसी ने टेम्पो में उन्हें पहुंचाया, और ड्राइवर को जो है पुलिस ने जो है, ऑटो वालों ने, लोगों ने जो है ड्राइवर को जो है पुलिस ने अभी जो है वो पकड़ लिया है, क्योंकि लोगों ने जो है वो बहुत मदद की है। और यहाँ पर लेकिन आज हमें भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तस्वीरें जो है वो जम्मू से हैं, और जिस तरह से हम कहते हैं कि पल पल की अपडेट देना आपको बहुत जरूरी है, पल पल की अपडेट देना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जम्मू से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचाना जो है वो हमारा कर्तव्य है। और ये विजुअल्स जो हैं आप जम्मू बुलेटिन के माध्यम से देख रहे हैं, और ये विजुअल बताते हुए हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन आपको बताएंगे कि बाहर से आए हुए यात्रियों को किस तरह से यहाँ पर जो है वो चोटिल हुए हैं और उनके साथ ये है हादसा हुआ है। हर कोई यहाँ पर जो है अब मदद कर रहा है, सुबह भी मदद की थी 8:30 बजे, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर मदद हो रही है। और देखिए किस तरह से जो है वो पुलिस वाले भी यहाँ पर हैं, और ऑटो और गाड़ी को अलग अलग किया जा रहा है, क्योंकि जो गाड़ी है वो फास्ट स्पीड में जो है वो ऑटो की, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है वो घुस गई थी। और ये तस्वीरें जो हैं ये मैं आपको बिल्कुल वो दिखा रही हूँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आप जम्मू बुलेटिन से ही देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए ये बता दें कि ये हादसा, एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, और लोगों की जिस तरह से मदद की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए और फोर्स की जो है उन्हें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि गाड़ी काफी हैवी है,
गाड़ी हैवी है और मदद की जरूरत जो है वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल पड़ रही है। पुलिस भी है, बात करते हैं, पुलिस भी गाड़ी और ऑटो को अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गाड़ी का बोनट जो है वो उस ऑटो में जो है वो बुरी तरह से जो है वो धंस गया है। और देखिए, कभी ना कभी अगर आपकी गाड़ी की अगर नंबर प्लेट की बात करते हैं, उसमें जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। और हर एक चीज देखिए, ऑटो को जो है वो अलग कर दिया गया है, अब गाड़ी से अभी से जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा और इस गाड़ी को जो है वो यहाँ से चेक किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं ये हम आपको बिल्कुल वहीं से दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं ये मैं आपको वहां रेलवे स्टेशन से जो हैं ये तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं। और ये तस्वीरें आज सुबह सवेरे की जो हैं वो अहम तस्वीरें हैं, जिनमें जो है अगर हम बात करते हैं ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू से निकलकर सामने आई हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें जो हैं देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम उस नंबर प्लेट की बात कर रहे थे, पुलिस वाले भी सबसे पहले उस नंबर प्लेट के पास ही चलते हैं, उसे ही जो है उसके फोटोग्राफ्स जो है यहाँ पर क्लिक किए जा रहे हैं। क्योंकि ये फोटोग्राफ्स की बात करते हैं, ये नंबर जो है, इस प्लेट का नंबर क्यों बदला गया, ये भी जो है ये बहुत बड़ी यहाँ पर बात है। और ये तस्वीरें जो है ये आपको दिखा दे कि यहाँ पर जो है ये गाड़ी की मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रही हूँ, ये गाड़ी की आप फ्रंट साइड देखिए कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये ऑटो ना होता तो ये गाड़ी आगे जाती, यहाँ से जो है और ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हो सकता था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। आज सुबह सवेरे की बात देखिए, ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है अब वो इस गाड़ी में बैठे हैं और इस गाड़ी को जो है वो निकालने का प्रयास जो है वो यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि ये इसको जो है वो नीचे उतारना है, इसे जो है यहाँ से नीचे अवश्य उतारना है, उसी के बाद जो है ये गाड़ी पुलिस हिरासत में लेगी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीजों को जो है वो वेरीफाइड जो है वो किया जाएगा। और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो है वो जम्मू बुलेटिन से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर ये तस्वीरें दिखाते हुए ये तस्वीरें, एक प्रेग्नेंट लेडी एक लड़की मर गई जिंदा हो। और बता दें कि जब इन्हें यहाँ से उठाया गया था तब वो इस अवस्था में नहीं थे कि कोई उन्हें पूछ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से जो है वो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और शिफ्ट करने के साथ साथ ही जिस तरह से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि लोग जो है वो इस हादसे को देखकर दंग हुए हैं। पुलिस वालों ने यहाँ पर व्हाइट कलर का चूना जो है वो डालकर जो है इस जगह को जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो किया है। लोग जो है वो सुबह सवेरे 8:30 बजे ये हादसा हुआ था, लोग जो है वो यहीं पर जमा हैं और ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ी में बैठ चुके हैं ताकि वो इस गाड़ी को जो है वो अपने कब्जे में जरा लें और इसको जो है वो खंगालने की कोशिश करें। तो ये तस्वीरें जो है बिल्कुल बिल्कुल आप तस्वीरें देखिए और देखिए किस तरह से सब यहाँ पर मदद कर रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी इस गाड़ी को नीचे उतारना चाहते हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो बच्ची जो है वो गाड़ी से बाहर आके गिर गई, जिसकी वजह से उसके सिर हेड उसे जो है वो हेड इंजुरी जो है वो यहाँ पर हुई। और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देखिए, और ये गाड़ी का पूरा बोनट जो है वो कितनी तीव्रता में था, जो ये बोनट जो है वो बिल्कुल खुल चुका है। देखिए 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 गाड़ी को जो है वो नीचे उतार लिया गया है, बिल्कुल जो उसका पिछला पार्ट है वो जो है उसके साथ टच हो रहा है, गाड़ी को जो है यहाँ पर नीचे उतार लिया गया है और गाड़ी से जो है वो सबको हटाया जा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में जो है बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं ये जम्मू रेलवे स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो सुबह सवेरे 8:30 बजे हुआ, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ उनका पूरा परिवार था। और यहां तक जहां तक बात करते हैं कि एक बच्ची की यहां पर मृत्यु बताई जा रही है, वो परिवार जो है आज गहरे शोक में होगा। और ये हादसा जो है वो जम्मू में हुआ है, और ये तस्वीरें जो है वो आप जम्मू बुलेटिन के माध्यम से देख रहे हैं। पल पल की जम्मू की अपडेट बताना आप हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो अपडेट रह सकें कि जम्मू में क्या हो रहा है। हालांकि इस हादसे की
तस्वीरें दिखाते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि जम्मू में यह हादसा हुआ है और परिवार जो है वो बाहरी राज्य से आया हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि ऑटो की वजह से यहाँ पर जो है वो हादसे को कहीं तक जो है वो थाम लिया गया, लेकिन फिर भी जो है उस ड्राइवर को जो है वो हिरासत में दे दिया गया है। और साथ ही साथ बात करते हैं, ये जम्मू रेलवे स्टेशन का अंदर का हिस्सा है जहां पर बहुत से ऑटो जो है वो पार्किंग में लगे हुए हैं और इस गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, इसकी नंबर प्लेट पर जो है साफ तौर पर शक जा रहा है। आपकी क्या राय है, क्योंकि हमने जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है आपको सबूत और तथ्य जो है वो दिखाए हैं, आप क्या आपको क्या लगता है किसकी गलती है उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ अल्लाह।